न सिर्फ निगरानी बल्कि उनकी इल्मी दीनी तरबियत भी शुरू की जाए। आप देखिए, इंसान के आमाल उसकी सोच का नतीजा होते हैं और सोच तालीम और तरबियत से सही या बुरी होती है। जैसा एजुकेशन मिलेगा, वो कॉलेज में जा रही है, कॉलेज में उसको बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, स्कूल में जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आजाद होना चाहिए, बात करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, लड़कों से हैंडशेक करना चाहिए, वो एजुकेशन उसको वैसा मिल रहा है। बाहर जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तालियां बजा रहे, गाने सुन रहे, झूम रहे, सब बाहर हो रहा है, वो डेटा उसके अंदर जा रहा है। वो अगर कोने में खड़ी है, नई शरीक हो रही, अरे आओ इधर आओ, उसको खींच रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हया आज क्या हो गई है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई आदमी अगर हया वाला है, शर्म वाला है, उसको शर्म है, तो उसका नाम क्या है? शर्म का नाम क्या हो गया? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड किसको बोल रहे हैं आज? बेशर्म आदमी को क्या बोल रहे हैं? एकदम ये डेयरिंग है, बहुत करेजस है। तो हमारा समाज ऐसा होता चला जा रहा है। हमारे समाजी अकदार, हमारे सोशल वैल्यूज ये बदल रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पूरा मामला हमारे यहां पर आ रहा है। तो अब उसको सारी दुनिया से, वो टीवी देखना, बाहर जाना, प्रोग्राम्स अटेंड करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, अखबारात पढ़ना, पढ़ाई जो भी हो रही है, पूरा सिस्टम जो है उसको एजुकेट कर रहा है, उसको डी एजुकेट कर रहा है, मिस एजुकेट कर रहा है उसको, उसको प्रोग्राम कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। तूने ऐसा, आज की नारी बन, उसको एकदम मिस इंटरनेशनल बना रहा है उसको। अब वो अपने जहन में उसकी जहनियत बन रही, कोई भी इंसान अपने बाहर से जो उसको मिल रहा है उससे मुतासिर होगा। आपके पास उसको देने के लिए क्या है? आपने भी कुछ उसको दिया है कि नहीं दिया है? आपने उसके लिए कोई इलाज रखा कि नहीं? आप उसको क्या तालीम दे रहे हो? वो तालीम अहम है। बच्चा स्कूल में गया, वहां पर चुन्नू मुन्नू गुड्डू किसी का बर्थडे हुआ, अब आके बेटी बता रही मेरा भी बर्थडे है, कौन सी तारीख को, अब्बा मैं कौन सी तारीख को पैदा हुई? 26 जनवरी को पैदा हुई, मेरा भी बर्थडे मनाएंगे, सारे सब चॉकलेट बांटते, मैं क्या बांट, मेरा भी तो बर्थडे होना चाहिए। अब वहां से वो सीख के आई, आप उसको बताओ बेटा बर्थडे का क्या मामला है, अपनी तो ईद होती है ना, उनके पास ईद नहीं इसलिए वो बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, अपनी ईद होती है ना, उसमें खुशी मनाते हैं हम लोग। उसको आप एजुकेट करो, उसको आप उसको बताओ बेटा ऐसे तालियां बजाना क्या मतलब है, बंदर ताली बजाता है? हम लोग नहीं बजाते इस तरह से, हम लोग क्या ये तरीका नहीं ताली बजाना, और हम लोग इस तरह से जो है सीटियां बजाना वगैरह हम लोग के नहीं होता है। आप उसको एजुकेट करो। हाँ ठीक है, अगर ये सही भी है तो दूसरी कौम का है, हमारा नहीं है। ये हर कौम का अपना एक शियार होता है, हमारे हर चीज महजब होती है, डिसेंट होती है, हमारे कोई ऐसा अमल नहीं जिससे किसी को तकलीफ हो। अब मुझको पटाखे ये करना है, आग जला के कलरफुल होना चाहिए कुछ तो भी, बेटा इससे आग लगती है, लोगों की जानों को खतरा होता है, इससे धमाके होते हैं, इससे लोगों के हाथ बच्चों के जल जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन इससे होता है, इससे आप उसको एजुकेट करो, उसको उसको दीन सिखाओ। हम वो सही है जो अल्लाह बताए, वो सही है जो रसूल बताए, हमारे यहां दीन में ऐसा 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 ऐसा, हम नाचते नहीं है, हम म्यूजिक पर झूमते नहीं है, हमारा ये ऐसा होता है, इसलिए कि ये ऐसा ऐसा गलत है। ऐसा भी नहीं, मैं बोला ना बस बंद, नहीं करना ऐसा, गलत, ऐसा कोई सुनता नहीं। आप एजुकेट करो, उसके साथ नॉलेज शेयर करो, आप उसको, आप उस पर यानी एकदम दारोगा बनकर, आप, मैं बोला जेलर, आप जेलर मत बनो, आप उसके टीचर बनो, उसके सवालात का जवाब आप दो। आपको नहीं आता जवाब देना, मौलवी साहब से पूछ के दो, ये नहीं कि आप उस पर बिल्कुल प्रेशराइज करके नहीं तो नहीं, क्यों नहीं और नहीं बोला ना खत्म। कुछ बाप ऐसे होते हैं, चल जाओ अंदर सीधा निकलो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बच्चे बहुत
इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बाप ने भी नहीं पूछा होगा ऐसे पूछते हैं बाद होगा, वो भी सोचता है क्या जवाब दो इसका, चुप ऐसे सवाल नहीं पूछते, गलत सवाल है, सवाल गलत नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। हम क्यों पढ़ते नहीं मनाते हैं, अब ये भी सोचा क्यों नहीं मनाते हम लोग, बेटे अपने पास पैसे नहीं है, ये जवाब अपने पास पैसे नहीं है, बोलेंगे चाचा से लूं, पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे टीचर ने बोली मैं खुद कर रही, आप क्या जवाब देगा, तो इलॉजिकल आंसर्स नहीं होने, सही एजुकेट आप उसको करो, क्योंकि बेटा हमारी जिंदगी का ये तरीका है, हमारे उसूल है जिंदगी के, हर कौम के उसूल होते हैं, हमारी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, हम वैसा जीते हैं, क्यों ऐसा जीते हैं, हम लोग वैसा क्यों नहीं कर सकते, हमारा सवाब चला जाएगा, आखिरत में बहुत कुछ मिलने वाला है, फल मिलेंगे, ये मिले, उसको उसी के हिसाब से हूर मिलेगी, उसको बोलेंगे बेटे को, बोलेंगे हूर क्या होती है, अब उसको हूर बता रहे, छोटा बच्चा है, बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए हूर, आप उसको बताओ वहां पे खाने के लिए सेब मिलेंगे, फल मिलेंगे और बहुत से खाने मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, बहुत प्यारे जूते मिलेंगे वहां पे, उसको उसके हिसाब से आप समझाओ, हम हमारे पास टाइम कहां है बच्चों के लिए, किधर आपने पास चाय की प्याली पे, ईरान में ऐसा हुआ, तुरान में ऐसा, इंग्लैंड में ऐसा हुआ, वो ये टाइम पास हम बच्चे के साथ आप क्या शेयर करते हो, बच्चा बाहर सबके साथ शेयर कर रहा है या टीवी के साथ शेयर कर रहा हो, पूरा उसका टीचर टीवी बन गया है, माँ के पास वक्त नहीं, जा बेटा उसको खाना बनाना है, बाप के पास जा उसको ऑफिस का काम करना है, आप बैठा सामने, आप वो जो उस्ताद हैं, वो उस्ताद जो सिखा रहा है उसको चैनल, ये 25 नंबर चैनल, 40 नंबर चैनल, 100,000 चैनल है, अब क्या सिखा रहे उसके ऊपर, कभी इस पे जा रहा, कभी उस पे जा रहा, कभी देख रहा, अरे ये क्या है, नई सीखने की चीजें सीख रहा है, उसका ब्रेन होगा क्या होगा, उसका दुनिया भर का कबाड़ खाना बन गया होगा। नंबर 3, बच्चों की अखलाकी तरबियत करना, बेटे ऐसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसा वजू करते हैं, ऐसे नमाज पढ़ते हैं, बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं, औरतों के साथ ऐसा होता है, मर्दों का ऐसा होता है, बेटी ऐसा नहीं आते हैं, ऐसा नहीं बैठते हैं, एजुकेट करना, उसको समझाना। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल लदीना आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, बचाओ, बेटी को बचाने की जरूरत है, सिर्फ बाहर के नुकसान से नहीं, उसको जहन्नम से भी तो बचाने की जरूरत है, कि ऐसी वो न बन जाए कि वो जहन्नम ही बन जाए, उसको जहन्नम से बचाने की जरूरत है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अतली फरमाते हैं अल्लिमु अनफुसकुम व अहलीकुमुल खैर, अपने आप को और अपने घर वालों को खैर की तालीम दो, अच्छी बातें उनको सिखाओ, जीने के तौर तरीके अखलाकियात उनको सिखाओ। तो ये तीसरी चीज है जो औलाद की तरबियत करना, ये उसको सिखाने की जरूरत है।